जो कि ओली का एक बहुत बड़ा ट्रैक है। ये है हमारे साइड में आर्टिफिशियल लेक। पेड़ से सेब उतार रहे हैं। प्री क्लाइंबिंग चेक्स डन, रेडी फॉर क्लाइंबिंग। सिनेमैटिक शॉट्स। इस बार अदा के साथ बाउंड्री मारी है, ताकत के साथ नहीं। मैंने कुछ झोली बना दिया डेबो की। धूम धड़ाका तो होगा जब T20 क्रिकेट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। So we are playing cricket with the RTPB staff. Let's play. पहली गेंद के लिए हो जाइए तैयार। नई बॉल किसके हाथ में है? शर्मा को नहीं है गेंदबाजी के लिए। ओ अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, रन आउट का मौका भी हो सकता था। क्या ये विकेट है? जब अंतिम ओवर्स में आपको एक बड़े हिटर की जरूरत थी। लेग बिफोर की अपील है लेकिन नॉट आउट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शायद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर था। थी तो बेहतर होता लेकिन अगर मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं। एक और विकेट, आसानी से अपनी नींद में भी ये कैच पकड़ लेती इसने राणा। झटके। अभी हमारी बैटिंग आते हुए चौके पे चौका, बेहतरीन ओवर। 18 उनके नाम और 4 ओवर का स्पेल देखने को मिल सकता है उनसे। शॉट देखिए, लुत्फ उठाइए। हर बार रीप्ले देखेंगे, हर बार आप सराहना करेंगे। 12 बिना किसी नुकसान के लीजिए। इस बार गैप ढूंढ निकाला, जैसे सुई में से धागा डालते हैं वैसे ही इस बार अदा के साथ बाउंड्री मारी है, ताकत के साथ नहीं। लेग कटर का प्रयास है, बॉल आसमान में, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से चौके पे चौका, बेहतरीन ओवर। 41 रन है 4 ओवर के बाद भारत के। इनफील्ड को एक बार आप पार करा दे तो 4 तो मिलेंगे। ओवर को समाप्त किया बाउंड्री के साथ। सिंगल डायरेक्ट हिट और ये करीबी मामला हो सकता है। 3 स्टंप्स थी एम करने के लिए मिड ऑफ। Yep, so wickets are broken. I am ready to make my decision. Okay, so ये नॉट आउट का ही निर्णय आएगा। जैसा जिक्र किया था, आधे से ज्यादा रन तो बाउंड्री से ही आए। क्या एक और बाउंड्री मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में पहली जीत दर्ज कर ली है इस टूर्नामेंट के अंदर। बर्मिंघम के अंदर 8 विकेट से हराया नाबाद पारी। तो पहला मैच तो हम लोग जीत चुके थे और अभी सेकंड मैच जो है लेकिन बीच में ही रुक गया है क्योंकि आईटीबीपी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है ग्राउंड में। ये देखिए, आप देख सकते हैं। सर कैसे लगा मेरी कप्तानी में जीत कर? मजा आया। The next day. Hello everyone. So, आज हम लोग फिर आ चुके हैं ट्रैकिंग करने के लिए डे 3 में। ये है हमारे साइड में आर्टिफिशियल लेक और ये है मिस्टर सक्सेना जी। Hi. सक्सेना जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। 3 दिन से लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं, मजा आ रहे हैं? हाँ, फुल एंजॉय हो रहा है। हर दिन हमारी जो ट्रैकिंग की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। आज हमें 10 नंबर पोल जो है यहाँ पर उससे भी बहुत आगे जाना है। ये देखिए, हमारे साथ आईटीबीपी की ट्रैकिंग में मदद कर रहे हैं हमारी।
तो आज हम लोग आए थे गुड़सु बुग्याल ट्रैक में, जो कि ओली का एक बहुत बड़ा ट्रैक है, और आज हमने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मेरे साथ है सुनील भाई। सुनील भाई, आपको ये ट्रैक कैसे लगा मुझे ये बताओ सबसे पहले। ट्रैक बहुत अच्छा है। अच्छा, शांति मिलेगा आके, ना ज्यादा थकान होगी, और सीनिक ब्यूटी में नंबर वन है। हाँ, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आसपास बहुत ही घना जंगल है, और यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह है, लेकिन ट्रैकिंग पे आए थे, भालू एक पैर ले गया मेरा अभी ये एक ही पैर से चल रहा है भाई क्या कर रहे हैं यार तू। हम लोग आ चुके हैं अभी दुर्गा माता मंदिर में, जो कि हमारे ट्रैक के बीच में पड़ता है। तो हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे साथ बिट्टू भाई हमारे लिए पेड़ से सेब उतार रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नेचुरल सेब है ये, फ्रेश सेब है, बिल्कुल है। स्टिकर नहीं है इस पे, बिल्कुल स्टिकर नहीं है इसे भरपूर। ये देखिए, ये भाई ने पूरी झोली बना दी है सिर्फ सेब की। कितने सारे सेब यहाँ पे फ्रेश सेब बिल्कुल मिल रहे हैं हमें, और यहाँ पर एक ही नहीं काफी सारे पेड़ है सेब के, और वॉलनट एप्रिकॉट काफी सारे फ्रेश चीजें यहाँ पे मिल रही है हमें। तो इतने सारे सेब हो गए, हम इसको खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। क्यों अरुण भाई, आज का दिन हमारा फिर ट्रैक हमने सुबह सुबह जो स्टार्ट किया वो कंप्लीट हो गया है। पूरे 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने हट में, और जाएंगे अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। फाइनली हम लोग हट पर पहुंच चुके हैं, ये देखिए भाई सभी लोग आ चुके हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो हम अभी पहुंचे ही है कि हमारा बुलावा जो है दूसरा शेड्यूल का एक और आ चुका है कि 9:45 तक हमें पहुंचना है बास्केटबॉल कोर्ट में। प्री क्लाइंबिंग चेक्स डन, रेडी फॉर क्लाइंबिंग। Early the next morning. तो हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं RR में, यानी कि राष्ट्रीय राइफल, जो कि एक आर्मी का बेस कैंप है, और वहाँ पर जाकर के हम स्टे करेंगे, एंड हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो वहीं पर ही आ जाएगा। आज के दिन मौसम भी बिल्कुल भी साफ नहीं है, और हमारे साथ सामने चल रहे हैं साहब। हाय। मॉनसून सीजन में एक दिक्कत ये भी होती है कि हर एक कदम अपने सामान बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई खत्म, बाय बाय टाटा, सीधा नीचे, क्योंकि फिसलन ज्यादा होती है। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा आप बोलेंगे ना, नंदा देवी की जय, की जय, की जय। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया है, रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। सो हमारे बाकी साथी उधर हमारा वेट कर रहे हैं, और देखिए
हमारे कमांडर साहब कहाँ हैं? कमांडो साहब पीछे है। नहीं आ गया कमांडर ना, कमांडर हाँ लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, वो आ गया, कमांडो पीछे है। तो अभी हम लोग दोबारा रुके हैं एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। A few moments later. ब्रेक लेना जरूरी है ताकि पीछे जो लोग हैं उनको भी साथ में ले जा सके। तो हमारी ट्रैकिंग स्लाइड यहीं से ही हमें वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग नीचे ही रह गए हैं, तो इस वजह से चलो ट्रैकिंग यही खत्म हो रहा है। यही खत्म हो गया। बोलो नंदा देवी की जय, की जय, बोलो भगवान भद्र विशाल की जय, की जय, की जय। Three cheers for ITBP, hip hip, hooray, hip hip, hooray, hip hip, hooray. नीचे उतरना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, ऊपर हो गया ना क्योंकि यहाँ पर करने का सीधा फिसलन अगर हो गई ना तो सीधा नीचे जाएंगे। सो राष्ट्रीय राइफल तक हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमें ITBP लीडर से इंस्ट्रक्शंस मिली कि कुछ बंदे फेल हो गए चढ़ने को। कुछ बंदे लेट मतलब पहुंच रहे थे तो उन्होंने ये फैसला लिया कि ऊपर वालों को भी नीचे ही बुला लो। गजब बेइज्जती है। लेकिन हम RR के एरिया में पहुंच गए थे, राष्ट्रीय राइफल एरिया में, और वहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। बट अभी हम वापस पीछे जा रहे हैं। ये है हमारे पुष्कर सिंह साहब। हेलो। ये हमारे उस्ताद है। नहीं नहीं, ये इंस्टा 360 है, उधर कभी सारा ही कर लेगा ये 360 पूरा ही। GoPro आगे एक बंदे के पास। GoPro हाँ। ये है हमारी हेती का मैं। हेलो। हमें मालूम क्या करते हैं। अच्छा फाइनली इतनी मशक्कत के बाद ब्रेकफास्ट मिला, कैसा फील हो रहा है? इतनी खुशी मुझे। ब्रेकफास्ट में हमारे मैक्रोनी भाई, जन्नत लग रहा है अभी तो। अभी हम लोगों की होने वाली है रैपलिंग की, उस तरफ इंतजाम कर रखा है पूरा रैपलिंग के लिए। ऊपर इतनी बड़ी चट्टान में वहाँ पे बैठे हैं सर, उन्होंने एंकर कर दिया है रॉप्स को, और यहाँ हम ऊपर से नीचे आएंगे सबसे आसान तरीका है सीट रैपल। उसी का अभी क्या करेंगे, उसका डेमो देगा एक बार। क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा, गाइड हैंड आगे, ब्रेक हैंड नीचे, ठीक है, और अपनी पोजीशन क्या होगी, एल पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तभी तभी तो नीचे जाएंगे आप लोग। ब्रेक 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 ब्रेक, ये ब्रेक होगा हमेशा सामने वाला हाथ जो लेफ्ट हैंड है उस्ताद का, वो क्या होगा, गाइड हैंड, और जिससे ब्रेकिंग मार रहा है उस्ताद वो क्या होगा, ब्रेकिंग हैंड। एक बार देख लो ब्रेकिंग कैसे मारते उस्ताद, ब्रेक का ट्विस्ट देखो कैसे कर रहा हो, ठीक है, देखा कौन सी पोजिशन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं रैपलिंग के लिए, प्री रैपलिंग चेक्स डन, रेडी फॉर सीट रैपलिंग। कैसा परफॉर्मेंस रहा? बहुत ही बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा था? नहीं। चलिए अच्छा, गुड। शुरुआत में थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम होता है। बहुत ही आसानी से रैपलिंग की मैंने, बहुत ही ज्यादा मजा आया। ठीक है ठीक, थैंक यू सो मच। ओके।